तो क्या हाल है आप लोग का? स्वागत है एक और व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि व्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आ गया एक और नया व्लॉग। फिलहाल मैं हूँ फिर से अपने बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है YPR। थंबनेल और टाइटल देख के लाइक सब आपको मालूम चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं फिलहाल जा रहा हूँ फिर से गोवा, और बेंगलुरु से गोवा तक इसका ट्रेन जर्नी ऑलरेडी मैं लाया था। इस ट्रेन का कब लाया था? दिसंबर में मैंने कवर किया था, लेकिन थोड़ा लेट अपलोड किया था। लेकिन वो ICF कोच था, ये आके LHB कोच है। तो LHB कोच में ये ट्रेन का सफ़र कैसे रहने वाला है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल ही आप देख लीजिए झलक अपने ट्रेन का। इधर अपने हिमांशु भाई है, वो भी अपने वीडियो बना रहे हैं। तो ये LHB हो गया है, इसके अंदर का सब अपन आपको थोड़ी देर में बताते हैं कैसा क्या है। जो अपनी ट्रेन है ना, जो मैंने बोला LHB हो गई है। फिलहाल ही मैं लाइक एक दो हफ्ता पहले ही इसको LHB में कन्वर्ट किए थे ICF से, वो सब सेफ्टी रीजन, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाने के लिए लाइक LHB में चेंज कर दिए हैं। तो इसमें कोच कॉम्पोजिशन सब कैसा रहने वाला, क्या क्या रहने वाला, सीटिंग आके चेंज हुआ है, एक्स्ट्रा सीट्स हुआ है इसमें, तो वो सब क्या रहने वाला है वो अपन थोड़ा आपको आगे बताने वाले हैं। पहले एक काम करते हैं, पूरा देख के आते हैं कि कोच कॉम्पोजिशन कितना है, क्योंकि ऑनलाइन में तो गलत ही बताएगा भाई। पहले एक वॉक करते हैं फिर देखते हैं। ये फिलहाल हम लोग कोच के अंदर नहीं गए हैं, क्योंकि अपनी ट्रेन फिलहाल लेट आई थी, इसलिए कोच के अंदर क्लीनिंग चल रहा है। जब अंदर जाएंगे तब आपको इंटीरियर्स दिखाते हैं। ये हमारी ट्रेन फिलहाल 4:50 को यशवंतपुर से डिपार्ट कर रहा है। ये हमारे बेंगलुरु की वेदर देखिए भाई। वेदर के मामले में बेंगलुरु ऐसा कोई भी शहर नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है। और ये अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ अभी भी रेनोवेशन चालू है यशवंतपुर के। ये हमारी यशवंतपुर वास्को, जिसका ट्रेन नंबर है 17309, फाइनली जैसे मैंने बोला 4:50 को डिपार्ट कर चुका है यशवंतपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अभी बात करने जाऊँ इसका ऑफिशियल टाइमिंग डिपार्चर का कितना था। इसका ऑफिशियल टाइमिंग था 3 बजे यहाँ से निकलने का, क्योंकि ये डाइवर्टेड था, एक ही रैक है इसका। एक उधर से आता है तो यही इधर से जाता है, या फिर इधर से जाएगा तो उधर से आएगा। तो क्योंकि एक ही रैक है तो ये आके अपने RC के से डाइवर्टेड था वाया हासन, तो उसकी वजह से यहाँ पर लेट आया है ये रैक। तो ये आया लगभग 3:30 बजे कुछ, और उसके बाद क्लीनिंग व्लीनिंग करने में टाइम चला गया। लेकिन जब यहाँ से जा रहा है लाइक यशवंतपुर से वास्को, तो फिलहाल डाइवर्टेड नहीं है ये, सीधा जो इसका रूट है जैसे तुमकुर वाया तुमकुर, लाइक पहले क्या था वाया श्रावण बेलगोवा आसन जाता था, लाइक डाइवर्ट होके आया था, अभी तुमकुर और RC चला जाएगा। तो देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है और आपको दिखाते हैं ये सफ़र कैसा रहने वाला है। तो ये अपन अपने कोच के अंदर आ गए हैं। यही अपना सीट है 64 और 72। जब सोना होगा तब अपन सोएंगे, लेकिन 3rd AC देखिए, इतना खाली आप कभी भी नहीं देखेंगे, वो भी इंडियन रेलवेज में। ये खाली क्यों है इसका एक रीज़न है, वो अपन आपको आगे बताते हैं। ये जो अपना 3rd AC रहता है ना, वो सेम स्लीपर जैसे रहता है, सिर्फ AC एक्स्ट्रा रहता है इसमें। ये देख सकते हैं, इस तरफ आपको 3 सीट्स मिलेगा, इस तरफ आपको 3 सीट्स मिलेगा। ये स्लीपर में मिलता है, फिर आपको साइड अपर साइड लोअर मिल जाता है, फिर आपको इसमें LHB है ना, तो चार्जिंग सॉकेट हर एक सीट के लिए मिल जाता है, तो एक बढ़िया बात है। ये देखिए क्या गजब मौसम हुआ है भाई, बारिश और ट्रेन जर्नी लव है।
ये हमारी यशवंतपुर वास्को एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। तुमकुर स्टेशन इसका पहला कमर्शियल स्टॉप है। इसका स्टेशन कोड आके टीके हो गया है। कितना मिनट लेट आया, कितना मिनट इधर स्टॉप है, वो सब नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी डिले है। बैंगलोर से लाइक यशवंतपुर से ही 1 घंटा 50 मिनट डिले निकला है भाई। इधर आप देख सकते हैं एक मेमू ट्रेन जा रही है, तो ये फिलहाल जा रही है। तुमकुर से बानसवाड़ी। ये हमारी ट्रेन फिलहाल 3 मिनट लगभग 3 मिनट स्टॉप लेके अपने तुमकुर स्टेशन से निकल चुका है। और सनसेट देखिए उधर, थोड़ा बहुत आपको झलक दिख रहा होगा, क्या मस्त दिख रहा है भाई, एकदम गजब भाई। ये शाम का वक्त ना एकदम मस्त रहता है, जो व्यूज़ मिलता है ना। और बारिश तो आप पीछे देखे होंगे, क्या मस्त बारिश के साथ व्यूज़ आ रहा था। अभी धारवाड़ बैंगलोर का वंदे भारत क्रॉस करने वाला है, तो अपन पहले आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं भाई। गजब रहने वाला इस मौसम में। आपने देखा अपनी धारवाड़ बैंगलोर वंदे भारत क्रॉस कर चुका है भाई। ये वीडियो बनाने के लिए गेट के पास 10 मिनट से खड़ा था। ये वेरियस मेट्रेन बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये आरसीकेरी से यशवंतपुर तक डाइवर्टेड था, तो पता नहीं मैं क्यों रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसका वीडियो ऑलरेडी लाइव है चैनल पे, अगर आपको देखना है तो कृपया जाके देख लीजिएगा। बैंगलोर से धारवाड़ तक मैंने फर्स्ट कमर्शियल जर्नी कवर किया था। तो ये अगर अपना भेलपुरी ट्रेन में, तो अपन खाते हैं भेलपुरी और इन्जॉय करते हैं भाई, बहुत बहुत रहा है। ये हमारी ट्रेन फिलहाल पहुँच चुकी है तित्तूर स्टेशन को, TTP है। ये जो भेलपुरी है ना भाई, बेकार है, क्योंकि इसका जो पूरी है ना महरा गया पूरा, एकदम क्या बोलते हैं, कड़क ही नहीं है। फिर उसके बाद बात करूँ तो ये तित्तूर जो है, दिस इज़ नोन फॉर कोकोनट प्लांटेशन। यहाँ पर नारियल का प्लांटेशन बहुत होता है, नारियल के पेड़ बहुत हैं यहाँ पर, एक्चुअली पूरे रास्ते में दिख रहे थे। हम क्योंकि थोड़े थक गए थे, तो इसलिए गेट के पास आके वीडियो बना नहीं पाए। ये आप सनसेट देखिए, क्या मस्त दिख रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है और बादल सब है, तो सनसेट तो अपने को प्रॉपर वाला नहीं दिखेगा। तो आप फिलहाल इतने में ही सुकून कर लीजिए, आनंद ले लीजिए। ये हमारी ट्रेन फिलहाल पहुंच चुकी है आरसीकेरी जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है ASK। इसको जंक्शन पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट आके मिलता है। एक अपना KSR बेंगलुरु हो गया, एक जो अपना हुबली की तरफ जा रहा है, और एक यहाँ से निकल जाता है हसनवाड़ी लाइन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या बोलते हैं, मैसूर उदयपुर और दिल्ली वाली हम सफ़र एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी हुई है। और ये अपनी वास्को यशवंतपुर एक्सप्रेस, यानी यशवंतपुर वास्को एक्सप्रेस। ये लगभग 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं आरसीकेरी रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी ट्रेन आई थी। वो जो हम सफ़र मैंने दिखाया ना, वो पैलेस क्वीन हम सफ़र है, और वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। वो डाइवर्टेड ट्रेन है, उसका इधर स्टॉप नहीं था, लेकिन फिर भी इधर स्टॉप दे के हमें पहले निकाल दिया है, क्योंकि हमारी बहुत लेट हो चुकी है ट्रेन। अगर आप थोड़े से में ट्रैवल करेंगे ना, तो आपको एक कम्बल दे देंगे ढूंढने के लिए, फिर आपको इसमें ब्लैंकेट बिछाने के लिए दे देंगे, और आपको पिल्लो दे देंगे। इसमें आई गेस छोटा ब्लैंकेट भी होगा, बड़ा तो है, डबल होगा आई गेस। हाँ, तो ये सब आपको थर्ड AC में फ्रीली मिल जाएगा। अटेंडर को सब ये देना रहता है। एक मिनट रुकिए, मैं खोलता हूँ। ये देखिए, मैंने बोला ना दो, एक नहीं रहेगा ब्लैंकेट, तो इसमें 2 ब्लैंकेट्स है, तो ये सही है भाई, साफ़ सुथरे के मामले में ठीक ठाक ही है। ये हमारी यशवंतपुर वास्को एक्सप्रेस पहुंच चुकी है चिक जाजू स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है JUR। 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है भाई। ठंड ऐसा लग रहा है ना मेरे को, मैं बता नहीं सकता हूँ। और हो गया हॉर्न, हो गया सिग्नल, चलो चलते हैं भाई। ये हम लोग चिक जाजू से डिपार्ट हो चुके हैं, और चिकजाजू रखे एक स्टेशन पॉइंट है। इधर से 3 लाइन है, एक हुबली की तरफ जाता है, एक अपना KSR से आ रहा है, और एक यहाँ से चित्रदुर्गा की तरफ निकल जाता है। और भाई इस समय इधर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ मिला ही नहीं। एक तो हमारा कंपार्टमेंट एकदम पीछे है, लेकिन जो बीच में रहेगा उनके लिए भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर अपना आया पूरा खाली ही था। ये हमारी यशवंतपुर वास्को एक्सप्रेस आ गई है दावणगिरी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DVG। और यहाँ पर दावणगिरी बेन्ने दोसे बहुत फेमस है। अभी जा रहे हैं अपन, देखते हैं कुछ खाने होने के लिए मिलता है कि नहीं।
फिलहाल अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, इधर दो ही प्लेटफॉर्म ही है भाई, कुछ खाने के लिए देखते हैं। अपने रुद्रा भाई अपने को मिलने वाले हैं हुबली में, हुबली में वो खाना लाएंगे, लेकिन बहुत लेट हो जाएगा, कुछ तो खाना है भाई अपने को। मैंने डोसा लिया था ना दावणगेरे से, वन ऑफ द वर्स्ट डोसा था भाई, चटनी एकदम खराब हो गया था, सिर्फ चोखे के साथ खाना पड़ा, और सांबर तो था ही, सांबर नहीं था, चलो ठीक है चटनी तो बढ़िया रहना चाहिए, और एकदम ड्राई डोसा, एकदम ड्राई भाई, लाइक सीरियसली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने दावणगेरे स्टेशन से। सबसे महा घटिया डोसा, लाइक मैं डोसे का एकदम लाइक क्या बोलते हैं प्रेमी हूँ, लेकिन ये वन ऑफ द वर्स्ट डोसे। तो ये हमारी ट्रेन फिलहाल पहुंच चुकी है SSS हुबली जंक्शन। इसको जंक्शन पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 3 पॉइंट निकलता है, एक अपना KSR बेंगलुरु से आ रहा है, एक इधर से अपना निकल जाएगा धारवाल की ओर, और एक यहाँ से निकल जाएगा गदक की ओर, और ये आके इसका स्टेशन कोड आके UBL है। ऑलमोस्ट अपनी ट्रेन भाई 2 घंटा लेट ही चल रहा है, मैं एकदम सो गया था, इसको कवर करने वाला नहीं था, लेकिन हमारे दोस्त ने उठा दिया तो कवर कर लिए हैं। जो अपना हुबली जंक्शन है ना, ये आके वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, पैदल चला है, लाइक वो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, अगर आपको वीडियो देखना है तो कृपया करके चैनल में जाके देख लीजिएगा। चलिए अभी कोच कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। कोच कॉम्पोजिशन देखने जाएंगे तो पहला इंजन है अपना, उसके बाद अपना विकलांग बोगी है यानी फिजिकली डिसेबल्ड बोगी है, उसके बाद एक जनरल बोगी है, फिर अपना 10 स्लीपर क्लास आता है, एक सेकंड क्लास आता है, फिर उसके बाद अपना 3 आके थर्ड AC आता है, फिर आके अपना 2 और क्या बोलते हैं जनरल क्लास आता है, तो टोटल 3 जनरल क्लासेस अपने इस यशवंतपुर वास्को एक्सप्रेस में है। ये जो अभी क्रॉसिंग लिया ना, ये वास्को जैसी ट्रेन था, और हम लोग ऑलमोस्ट मडगांव पहुंचने वाले हैं, इसमें वास्को तक ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अपन मडगांव तक ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये हमारी ट्रेन फिलहाल पहुंच चुकी है मडगांव स्टेशन पे, ऑलरेडी डिपार्चर भी इसका शुरू हो गया है। यहाँ पर हमारी ट्रेन आई है 3 घंटा डिले के साथ, उधर ही ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट डिले था, हवा बहुत बह रहा है, बारिश एकदम गजब हो रहा है, देखिए अगर जूम करूँ उतना सही से दिख नहीं रहा है, इसमें मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन बारिश एकदम गजब हो रहा है भाई। और मैंने बोला था ना कि हमारे में ज़्यादा लाइक विदाउट टिकट वाले नहीं थे, एक्चुअली रेलवे का नया नियम निकल चुका है, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको जनरल में ही ट्रैवल करना पड़ेगा, पेनल्टी भर के आप किसी भी कोच में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो एक बढ़िया बात है। अभी बात करूँ टिकट प्राइसिंग की, बेंगलुरु से यहाँ मडगांव तक तो स्लीपर में आपको देना पड़ेगा 375, और थर्ड AC में देना पड़ेगा आपको 1010 रुपया, और फिर सेकेंड AC में देना पड़ेगा आपको 1640 रुपया, एक कुछ टिकटिंग प्राइस था इसका, और फिर उसके बाद बस इतना ही है। इधर आएगा जर्नी क्या होने वाला है वो आपको मालूम चल ही जाएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर कुछ नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए उसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ क्या, अलविदा।